Hello and Namaste. इस मिसकंसेप्शन ऑफ सोलर एनर्जी सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सोलर एनर्जी के बारे में लोगों के क्या क्या भ्रम है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ और अलग अलग जो भ्रम है उसको दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज जो मैं भ्रम दूर करना चाहता हूँ ये कि लोगों को लगता है कि हम हमारी इलेक्ट्रिसिटी की सारी ज़रूरतें सोलर से पूरी नहीं कर सकते, या कई बार जब मैं चर्चा करता हूँ तो लोग पूछते हैं अच्छा क्या मैं ये भी कर सकता हूँ, क्या मैं वे भी कर सकता हूँ, और उसका उत्तर है बिल्कुल। ये बात बिल्कुल सही है आज की तारीख में कि सोलर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम जो चाहें जितनी चाहें उतनी इलेक्ट्रिसिटी सोलर से प्रोड्यूस कर सकते हैं। यदि आपकी रिक्वायरमेंट छोटी सी है, जैसे आप सोलर का लैम्प चलाना चाहते हो तो हो सकता है आपका 2 या 3 वाट पैनल से काम हो जाए और आपके सोलर लैम्प की ज़रूरतें पूरी हो जाए। आपका बड़ी रिक्वायरमेंट है, आपका घर में 4-5 लाइट हैं तो आप बड़ा सोलर का पैनल लगा सकते हैं, 30-40-50 वाट में काम हो जाएगा। यदि आपका लाइट है, पंखा है, टीवी है और ये आपको पूरा चलाना जितना आप चाहें 12 घंटे 20 घंटे चलाना है तो आपका 200-250 वाट में काम हो जाएगा। यदि आपके घर में लाइट है, पंखा है, टीवी है, फ्रिज है, ये सारे साधन हैं तो हो सकता है आपका 1 किलोवाट सोलर पैनल के सिस्टम में हो जाए। इससे भी ज़्यादा है, आपके घर में वॉशिंग मशीन है, एयर कंडीशनर है और भी सारे अप्लायंस है तो 2-3-4 किलोवाट में आपका सोलर से पूरा काम हो सकता है, और पूरा मतलब 100%। तो 100% कैसे होता है? दिन में जब हम सोलर सनलाइट होता है आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और बैटरी के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, या कई सारे इन्वर्टर अवेलेबल हैं जो ग्रिड के साथ इंटीग्रेट करते हैं कि जब आप सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ग्रिड को दे दें, और यदि आपको रात में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है तो आप ग्रिड से वापस घर में ले सकते हैं, तो उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए कि घर की जितनी आवश्यकताएँ, छोटे से छोटा लोड लगा के मोबाइल चार्जर से लगा के एयर कंडीशनर तक, हर तरह के सोलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट हैं और आप पूरा घर 24/7 सोलर एनर्जी पे चला सकते हैं बिना ग्रिड के कनेक्शन किए बिना भी। यदि आप चाहते हैं कि मुझे ग्रिड से कनेक्शन नहीं चाहिए, मैं खुद स्वयं अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहता हूं, तो वो भी कर सकते हैं, 100% 24/7 कर सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो ये ले सकते हैं कि आज हमारी जो सोलर पावर प्लांट है, हम 1 मेगावाट का पावर प्लांट लगाते हैं, 2 मेगावाट, 10 मेगावाट, 50 मेगावाट, 100 मेगावाट, 500 मेगावाट, तो बड़े बड़े पावर प्लांट भी हम लगा रहे हैं, तो जो हमारे घर की रिक्वायरमेंट है 2-3-4-5 किलोवाट में पूरी हो जाती है। यदि आप एक फार्मर हैं तो आपके इरीगेशन की रिक्वायरमेंट 4-5-6-7 किलोवाट में पूरी हो जाएगी। यदि आप एक इंस्टीट्यूशन है, यदि आपका स्कूल है, कॉलेज है, फैक्ट्री है, उसकी रिक्वायरमेंट भी हम 24/7 सोलर पे कर सकते हैं क्योंकि हम बड़े बड़े प्लांट लगा सकते हैं। यहाँ तक कि यदि कोई शहर है या कोई गांव है, उस पूरे गांव की रिक्वायरमेंट भी हम सोलर पे 100% पूरी कर सकते हैं। तो आप 100% सोलर इलेक्ट्रिसिटी पे ही यदि निर्भर रहते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप जो एनर्जी जो रात में लगती है जब सनलाइट नहीं है तो आप या तो बैटरी में स्टोर करें या फिर ग्रिड के साथ इंटरेक्शन करें। जैसा कि मैंने कहा था, यदि आप ग्रिड के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं अपने सोलर सिस्टम का, तो यदि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो आप ग्रिड में दे दें, और आपको रात में ज़रूरत है तो आप ग्रिड से ले लें। परंतु ये नहीं करना चाहते हैं तो आजकल बैटरी टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस हो गई है और सस्ती होती जा रही है कि आपके घर की पूरी रिक्वायरमेंट जो बिजली की है उसको भी आप अपने घर में बैटरी के रूप में स्टोर कर सकते हैं, और बैटरी के रूप में स्टोर करेंगे तो आप आत्मनिर्भर हैं, आप चाहे जितना स्टोर कर सकते हैं, और जब भी आपको रात में जब सनलाइट नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती तो आप बैटरी से ले सकते हैं। ये बात क्लियर है कि यदि मैंने एयर कंडीशनिंग कर रखी है और वो बैटरी पे चलाना है तो मुश्किल काम होगा, बैटरी थोड़ी ज़्यादा लगेगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। परंतु उसको छोड़ के आपके जो बाकी अप्लायंस हैं, जैसे कि
फैन हुआ, लाइट हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, ये आजकल बहुत एफिशिएंट अप्लायंस आते हैं। तो ये अप्लायंस यदि हम यूज़ करें जो कम बिजली पे चलने वाले होते हैं, तो आप अपने घर में इतनी बिजली स्टोर कर सकते हैं कि 24/7 सोलर और बैटरी के माध्यम से बिना बाहर से बिजली कनेक्शन लिए रह सकते हैं। सो ये भ्रम है लोगों का कि हम सोलर से 100% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। आज ऐसे कई सारे एग्जांपल्स, ऐसे कई सारे लोग हैं, सैकड़ों और हजारों लोग मिलेंगे जो अपना घर पूरी तरह सोलर पे चलाते हैं। कई सारे इंस्टीट्यूशन मिलेंगे जो 100% सोलर पे चलती है। मैंने एक इंस्टीट्यूशन डेवलप किया था 2010 में एजुकेशन पार्क के नाम से, जो कि 14 एकड़ का कैंपस है। 2010 से आज तक वहाँ पर बिजली का कनेक्शन ही नहीं लिया है और वहाँ के बिजली की सारी ज़रूरतें सोलर से ही पूरी होती है। तो 2010 में संभव था, तो 15 में भी संभव है, 20 में और ज़्यादा संभव है, और ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। सो बी क्लियर, आपकी जितनी इलेक्ट्रिसिटी है पूरा सोलर से प्रोड्यूस करिए और अपने आप को बिजली के मामले में कम से कम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और आप बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे तो आप अपने शहर को मदद करेंगे, अपने देश को मदद करेंगे और क्लाइमेट चेंज होने से बचाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा, नेचर को सपोर्ट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप 100% 100% इलेक्ट्रिसिटी पे जाएं, सोलर इलेक्ट्रिसिटी पे, और जो हमारा कैंपेन है सरेंडर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, उसको अपनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको एकदम भ्रम क्लियर हुआ होगा कि हम 100% इलेक्ट्रिसिटी सोलर से जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो घर हो या इंस्टीट्यूशन हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।